टॉप 4 बेस्ट कैमरा स्मार्टफोन्स अंडर 10,000 रुपीज। दोस्तों, क्या आप भी आज के समय पर अपने लिए एक परफेक्ट कैमरा फोन ढूंढ रहे हैं? क्या आपको भी फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी का शौक है? तो दोस्तों, आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि ना केवल आपको यहाँ पर अच्छे कैमराज मिलने वाले हैं, बल्कि आपको यहाँ पर स्पेसिफिकेशन भी काफ़ी दमदार मिलेगी, और तो और यहाँ पर जो फीचर्स आपको मिलने वाले वो भी काफ़ी कमाल के होने वाले हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को ज़रूर दबा दीजिएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। मेरा नाम है राम और गैजेट न्यूज़ हिंदी पे आप सभी का स्वागत है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं इस लिस्ट को, और सबसे पहले हम बात करते हैं उन यूज़र्स की जिनका बजट 10,000 रुपये के आसपास में, उन्हें अच्छा कैमरा फ़ोन और साथ ही साथ एक अच्छा सा मल्टीमीडिया फ़ोन लेना है। स्मार्टफोन है यहाँ पर रियलमी का C55। ये स्मार्टफोन प्लास्टिक बिल्ड के साथ आपको काफ़ी अच्छा लुक देता है। बात करें डिस्प्ले की तो 6.72 इंचेस की फुल HD प्लस वाली IPS LCD पैनल के साथ में आता है। साथ ही साथ आपको यहाँ पर कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन, 680 नीट्स की पीक ब्राइटनेस, 90 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट और 180 हर्ट्ज की टच सैम्पलिंग रेट भी मिलती है। सो डिस्प्ले क्वालिटी आपको यहाँ पर काफ़ी अच्छी दी गई है। कैमरास की बात करें तो बैक साइड में आपको यहाँ पर दो कैमरास मिल जाते हैं। मेन कैमरा है 64 मेगापिक्सल का, 2 मेगापिक्सल का आपको यहाँ पर एक डेप्थ सेंसर दिया गया है, और 8 मेगापिक्सल का मिलता है सेल्फी स्नैपर। कैमरा सेटअप फोन का यहाँ पर अच्छा दिया गया है। डे लाइट वगैरह में दोस्तों यहाँ पर फोटोज काफ़ी कमाल की निकल कर आती हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करें यहाँ पर वीडियो आउटपुट की तो फ्रंट और बैक दोनों ही कैमरा से आप यहाँ पर फुल HD की वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकेंगे अप टू 30 FPS। वैसे बैक कैमरा से आपको 60 FPS तक का सपोर्ट भी दिया गया है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। वहीं पर दोस्तों परफॉर्मेंस की बात कर लें तो इस फोन के अंदर लगा हुआ है MediaTek का Helio G88 का चिपसेट। हालांकि 12 नैनोमीटर फैब्रिकेशन पर आता है, लेकिन आपको यहाँ पर लगभग 2,11,000 के आसपास का स्कोर निकाल कर देता है। सो परफॉर्मेंस आपको यहाँ पर बजट के हिसाब से अच्छी मिल जाती है, तो आप यहाँ पर मीडियम लेवल की गेमिंग वगैरह कर सकते हैं। वैसे इस फोन के अंदर LPDDR4X की रैम और EMC 5.1 का स्टोरेज दिया गया है। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं फोन के पावर हाउस की। तो बैक साइड में आपको यहाँ पर 5000mAh की बैटरी और 33W चार्जिंग का सपोर्ट मिल जाता है। चार्जिंग के लिए टाइप सी रिपोर्ट भी दी गई है, तो ये भी काफ़ी अच्छी बात है। अब बात करें यहाँ पर स्मार्टफोन के कुछ अदर फीचर्स की, तो यहाँ पर आपको मिलता है एक साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, 3.5mm का जैक, सिंगल बॉटम फायरिंग स्पीकर्स, ट्रिपल कार्ड का ऑप्शन, और ये फोन लेटेस्ट एंड्रॉइड 13 के साथ में आता है, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। और अब बात कर लेते हैं प्राइसिंग की, तो 4 और 64 के लिए आपको देने होंगे लगभग 11,000 रुपये। पर दोस्तों अगर आप यहाँ पर नॉन चाइनीज फोन लेना चाहते हैं, साथ ही आपको यार बेटर कैमरा ऑप्टिमाइजेशन चाहिए, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं सैमसंग का गैलेक्सी F13। फोन आपको पूरी तरह से प्लास्टिक बिल्ड पर मिलता है, बट बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन दोनों ही फोन के यहाँ पर काफी अच्छे हैं। वहीं पर फोन की डिस्प्ले की बात करें तो इस फोन के अंदर आपको मिलती है 6.6 इंचेस की फुल HD प्लस वाली PLS LCD पैनल, जो कि दोस्तों TFT से थोड़ी सी बेटर होती है। साथ ही आपको यहाँ पर कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन मिल जाता है। 500 नीट्स की ब्राइटनेस दी गई है, 60 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट और 120 हर्ट्ज की टच सैम्पलिंग रेट मिलती है। डिस्प्ले क्वालिटी बजट के हिसाब से देखेंगे तो ठीक है। कैमरास की बात करें तो बैक साइड में आपको यहाँ पर मिलते हैं 3 कैमरा, जहाँ पर मेन कैमरा लगा हुआ 50 मेगापिक्सल का, 5 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ, और सेल्फी के लिए आपको मिलता है यहाँ पर 8 मेगापिक्सल का सेंसर। सो देखा जाए तो कैमरा सेटअप फोन का यहाँ पर अच्छा है, और आपको यहाँ पर काफ़ी सारे डिफरेंट मोड्स वगैरह देखने को मिल जाते हैं। और रही बात आउटपुट की, तो डे लाइट में फोटोज भी अच्छी आ जाती हैं। वीडियो आउटपुट की बात करें तो फ्रंट और बैक कैमरा से आप यहाँ पर फुल HD की वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं अप टू 30 FPS, तो ये भी अच्छी बात है। चलिए परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं, तो दोस्तों इस फोन के अंदर आपको मिलता है यहाँ पर सैमसंग का एक्सिनोस 850 का चिपसेट, और दोस्तों ये चिपसेट 8nm की फैब्रिकेशन पर बना हुआ है, लेकिन आपको यहाँ पर गेमिंग वगैरह उतनी अच्छी नहीं करा पाता, क्योंकि दोस्तों ये स्मार्टफोन अंततः पर लगभग 1.5 लाख के आसपास स्कोर करता है, यानी कि डिसेंट फोन है दोस्तों। अगर आप यहाँ पर नॉर्मल टास्क वगैरह के लिए फोन लेना चाहें तो आप इस फोन की तरफ देख सकते हैं। साथ ही साथ LPDDR4X की रैम और EMMC 5.1 का स्टोरेज आपको यहाँ पर मिल जाता है, सो परफॉर्मेंस आपको यहाँ पर डिसेंट मिलेगी। वहीं पर पावर हाउस की बात करें तो बैक साइड में आपको 6000mAh का एक बड़ा सा बैटरा देखने को मिलने वाला है, जहाँ पर 15W की चार्जिंग का सपोर्ट दिया गया है। चार्जर बॉक्स के अंदर मिल जाएगा, चार्जिंग के लिए टाइप सी वाली पोर्ट मिल जाएगी। वहीं पर कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स की बात कर लें तो यहाँ पर आपको मिलता है एक साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, 3.5mm का जैक, सिंगल बॉटम फायरिंग स्पीकर्स और ट्रिपल कार्ड का ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाता है। और अच्छी बात यह है कि स्मार्टफोन आता है लेटेस्ट एंड्रॉइड 12 पर, लेकिन बहुत जल्द आपको यहाँ पर एंड्रॉइड 13 का अपडेट भी देखने को मिल जाएगा। सो फोन डिसेंट है, अगर आप चाहें तो इसे देख सकते हैं। बात करें प्राइसिंग की तो 4GB रैम और 64GB स्टोरेज के लिए आपको अभी देने होंगे लगभग 9,500 रुपये। वैसे आपको यहाँ पर 4GB की एक्सटेंडेड रैम का सपोर्ट भी मिलता है, यानी कि 8GB तक की आपको यहाँ पर रैम का सपोर्ट मिल जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं लिस्ट के अगले फोन की, तो इस बजट के अंदर आपको 108 मेगापिक्सल का कैमरा सेंसर मिल रहा है, और ये फोन यहाँ पर रियलमी का C53। क्योंकि दोस्तों तो ये स्मार्टफोन आपको पूरी तरह से प्लास्टिक बिल्ड पर मिलता है, बट ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन दोनों ही फोन के यहाँ पर काफी कमाल के हैं।
वैसे आपको बता दूं कि फोन सिर्फ और सिर्फ 7.9 मिलीमीटर की थिकनेस और 186 ग्राम्स के साथ में आता है। सो ओवरऑल फोन काफी लाइटवेट और काफी स्लिम भी है, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब यहाँ पर फोन के डिस्प्ले की। तो फोन के अंदर लगी हुई है 6.74 इंचेस की एक बड़ी सी HD प्लस वाली IPS LCD पैनल, साथ ही आपको यहाँ पर 560 निट्स की पीक ब्राइटनेस का सपोर्ट मिल जाता है, तो इंडोर और आउटडोर में विजिबिलिटी की भी आपको यहाँ पर कोई खास दिक्कत नहीं आती। और रही बात गेमिंग की, तो 90 हर्ट्ज तक की रिफ्रेश रेट और 180 हर्ट्ज की आपको यहाँ पर टच सैम्पलिंग रेट भी मिलती है। सो ओवरऑल प्राइस पॉइंट के हिसाब से आपको यहाँ पर डिस्प्ले क्वालिटी थोड़ी सी डिसेंट मिलती है। चलिए अब बात करते हैं फोन के मेन हाईलाइटेड फीचर्स यानी फोन के कैमरास की। तो इस फोन के बैक साइड में आपको यहाँ पर मिलते हैं दो कैमरास। मेन कैमरा लगा हुआ है 108 मेगापिक्सल का, जो कि f1.8 अपर्चर के साथ में आता है, और यहाँ पर आपको सैमसंग का S5 के HM6 वाला ISO सेल का सेंसर देखने को मिलता है। साथ ही साथ आपको यहाँ पर 10x की डिजिटल जूम का सपोर्ट भी देखने को मिलेगा। और रही बात सेकेंडरी लेंस की दोस्तों, तो यहाँ पर आपको एक 2 मेगापिक्सल का छोटू सेंसर दिया गया है। इमेज आउटपुट की बात करें तो आपको 108 मेगापिक्सल का सेंसर भले ही देखने को मिल जाता है, लेकिन यहाँ पर ऑप्टिमाइजेशन में कोई भी खास चीज़ आपको देखने को नहीं मिलती है, यानी कि जो आउटपुट है वो प्राइस पॉइंट के हिसाब से आपको यहाँ पर डिसेंट ही मिलते हैं। वीडियो आउटपुट की बात करें तो बैक से आप यहाँ पर फुल HD की वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे अप टू 30 FPS। फ्रंट की बात करें तो फ्रंट में आपको मिलता है 8 मेगापिक्सल का सेल्फी स्नैपर, जहाँ पर आपको स्क्रीन फ्लैश का सपोर्ट भी मिलता है, और दोस्तों यहाँ पर भी आपको डिसेंट टाइप के आउटपुट मिल जाते हैं। रही बात वीडियो आउटपुट की, तो फ्रंट से आप यहाँ पर HD प्लस की वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे अप टू 30 FPS। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब यहाँ पर फोन के चिपसेट की। तो इस फोन के अंदर आपको मिलता है यूनिसॉक की तरफ से आने वाला यूनिसॉक का T612 का चिपसेट, जो कि 12 nm पर बेस्ड है, लेकिन आपको इस प्राइस पॉइंट के अंदर अच्छी खासी परफॉर्मेंस निकाल कर देता है। जी हाँ दोस्तों, ये स्मार्टफोन अंतुतु पर लगभग 2.5 लाख के आसपास स्कोर कर जाता है, जो कि इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से अच्छे स्कोर है। साथ ही साथ आपको यहाँ पर LPDDR4S की रैम और eMMC 5.1 का स्टोरेज दिया गया है, तो डे टू डे टास्क और नॉर्मल गेमिंग में आपको यहाँ पर कोई भी इश्यूज नहीं आने वाले। चलिए अब बात करते हैं फोन के पावर हाउस की। तो बैक में आपको यहाँ पर 5000 mAh की बैटरी और 18 वोल्ट की चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है चार्जर बॉक्स के अंदर, और चार्जिंग के लिए टाइप सी वाली पोर्ट भी आपको मिल जाती है। और दोस्तों ये जो स्मार्टफोन है ये आपको नॉर्मल यूजिंग पर एक दिन का बैकअप बहुत आराम से देता है, तो ये भी अच्छी बात है। चलिए अब बात कर लेते हैं कुछ अदर फीचर्स की। तो यहाँ पर आपको मिलता है एक साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, 3.5 mm का जैक, सिंगल बॉटम फायरिंग स्पीकर्स और ट्रिपल कार्ड का ऑप्शन। तो आप यहाँ पर एक साथ में 2 4G SIM और 1 2 TB तक का मेमोरी कार्ड भी यहाँ पर लगा सकते हैं, तो ये भी अच्छी बात है। सो अगर आप यहाँ पर इस बजट के अंदर 108 मेगापिक्सल का सेंसर वाला फोन लेना चाहते थे तो आप इस फोन की तरफ देख सकते हैं। बात की जाए प्राइसिंग की, तो इस समय 6 और 64 वाला जो वेरिएंट है वो आपको मिल रहा है सिर्फ और सिर्फ 9,999 रुपये की कीमत पर। सो आप चाहें तो इसे डेफिनेटली यहाँ पर देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं लिस्ट की आखिरी और वन ऑफ द बेस्ट फोन की। जी हाँ दोस्तों, इस प्राइस पॉइंट के अंदर देखेंगे तो ये एक काफ़ी किलर और एक ऑलराउंडर स्मार्टफोन है, और ये स्मार्टफोन भी है रियलमी की तरफ से, रियलमी का 10 4G। तो ये फोन आपको पूरी तरह से प्लास्टिक बिल्ड पर मिलता है, पर दोस्तों बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव आपको मिलते हैं। वहीं पर डिस्प्ले की बात करें तो फोन के अंदर 6.4 इंचेस की फुल HD प्लस वाली सुपर एमोलेड पैनल लगी हुई है, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन, 1000 निट्स की ब्राइटनेस, 90 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट और 180 हर्ट्ज की टच सैम्पलिंग रेट। सो डिस्प्ले में आपको यहाँ पर कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आती। कैमरास की बात करें तो बैक में आपको यहाँ पर 2 कैमरास मिलते हैं, जहाँ पर मेन कैमरा लगा हुआ है 50 मेगापिक्सल का, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ और 16 मेगापिक्सल का सेल्फी स्नैपर। डे लाइट में दोस्तों यहाँ पर कैमरा परफॉर्मेंस में आपको यहाँ पर कोई शिकायत नहीं आती है। साथ ही साथ आपको यहाँ पर नाइट मोड, पोर्ट्रेट शॉट्स वगैरह के काफी डिफरेंट मोड्स भी देखने को मिल जाएंगे, तो ये काफी अच्छी बात है। वहीं पर वीडियो आउटपुट की बात करें तो फ्रंट और बैक दोनों ही कैमरा से आप यहाँ पर फुल HD की वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकेंगे अप टू 30 FPS। सो अब बात कर लेते हैं फोन के चिपसेट की। तो इस फोन के अंदर आपको मिलता है 6 nm बेस MediaTek का Dimensity G99 का चिपसेट, और दोस्तों ये इस बजट के अंदर आने वाला वन ऑफ द बेस्ट 4G चिपसेट है, जो कि आपको लगभग 4 लाख के आसपास अंतुतु स्कोर निकाल कर देता है। सो परफॉर्मेंस और गेमिंग में आपको यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आती है। वैसे दोस्तों यहाँ पर LPDDR4S की रैम और UFS 2.2 का स्टोरेज भी फोन के अंदर लगा हुआ है, तो भाई ये फोन आपको परफॉर्मेंस तो अच्छी निकाल कर देता है। वहीं पर पावर हाउस की बात करें तो बैक साइड में 5000 mAh की बैटरी लगी हुई है, फोन 33 वॉट चार्जिंग को सपोर्ट करता है चार्जर बॉक्स के अंदर, और चार्जिंग के लिए टाइप सी वाली पोर्ट भी आपको मिल जाती है, तो बैटरी मॉड्यूल में भी आपको यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आती है। वहीं पर कुछ अदर फीचर्स की बात करें तो यहाँ पर आपको मिलता है एक साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, 3.5 mm का जैक, सिंगल बॉटम फायरिंग स्पीकर्स, ट्रिपल कार्ड का ऑप्शन, और ये फोन एंड्रॉइड 12 पर आता है, लेकिन एंड्रॉइड 13 का अपडेट आपको इस फोन के अंदर डेफिनेटली देखने को मिलेगा। चलिए बात कर लेते हैं प्राइसिंग की। तो 4 और 64 के लिए आपको पे करने पड़ेंगे 10,999 रुपये। सो अगर आप इस प्राइस पॉइंट के अंदर एक ऑलराउंडर और साथ ही साथ अच्छे कैमरा वाला फ़ोन ढूंढ रहे थे तो आप इस फोन की तरफ भी देख सकते हैं। और हाँ दोस्तों, ये थे वो स्मार्टफोन जो कि आपको अच्छे कैमरा, अच्छी स्पेसिफिकेशन, दमदार फीचर्स के साथ में मिलते हैं। सो आप चाहें तो इनमें से कोई भी स्मार्टफोन देख सकते हैं, सभी के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो आप एक बार जरूर चेकआउट कीजिएगा।
और हाँ दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि हम टेलीग्राम पर डेली कुछ ना कुछ नए डील्स वगैरह पोस्ट करते रहते हैं। सो अगर आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन करना चाहें तो वहाँ पर भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को भी जरूर दबा दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, धन्यवाद।